दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी विच शेर दा सवाल कंज हल करिए, ये बड़ा मसला हुंदा है ते बड़े दोस्त अहबाब जड़े है ने वो इस गलों परेशान रहिंदे ने कि सानू शेर ते 5-7 आंदे ने लेकिन उन्हां नू पेपर विच लिखांगे कैवें ते उहदे अगे पिछे जिहड़ियां गल्लां लिखणियां हुंदियां उह कंज लिखांगे। ठीक है जी, ते इस वीडियो विच मैं तुहानू इह दस्सांगा कि CSS दी पंजाबी विच ते PMS दी पंजाबी विच शायरी दा कोई सवाल आवे ते तुसीं मैक्सिमम नंबर कंज लै सकदे हो अपने प्रीवियस नॉलेज नूं इस्तेमाल करके। ठीक है जी, ते इहदा जिहड़ा हैगा अज दा हैडिंग लिखते हैं कि शेर दा वाला सवाल किवें हल करिए। ठीक हो गया, ते शेर वाला सवाल करन दा तरीका ये है हल करन दा कि सब तो पहले तुसी जिहड़ा है ना अपना जिन्ने भी तुहानू शेर आंदे ने उहनू रफ कापी ते ना सारे शेर लिख लो रफ कागज़ ते। जदों तुसी इम्तिहान दे विच बहोगे जवाबी कापी दे एंड ते जायो ते उत्थे जिन्ने भी शेर आंदे ने लिख लियो। फर्ज़ करो तुहानू मुनीर नियाज़ी दा ए शेर आंदा है, ठीक है, ए दूजा शेर आंदा है, ए तीजा शेर आंदा है, ते इंज तुहानू 8 शेर आंदे ने मुनीर नियाज़ी दे। ठीक हो गया, हुण परचे विच सवाल आया है मुनीर नियाज़ी दी शायरी दे उत्ते ते तुहानू इहदे 8 शेर आंदे ने। हुण तुसी प्लैन करना है कि तुसी कंज इहदा मैक्सिमम फायदा चुक सकदे हो। ठीक हो गया, सब तो पहले जदों तुसी शेर लिखोगे ते ओह सोचियो कि इहदे नाल हैडिंग कहिड़ी बणदी है। फर्ज़ करो एक हैडिंग बणदी है जदीदियत, दूजी शायरी बणदी हैडिंग बणदी है अलामत नगारी, ठीक है, तीजी हैडिंग बणदी है तुहाडी डर दी शायरी, चौथी हैडिंग तुहाडी बन जाती है जी इस्लामी अहकाम। फर्ज़ करो कि इदां दा भी शेर है। ठीक हो गया, हुण तुसीं जदों पेपर विच जाना है तां तुसीं डायरैक्ट शेर नहीं लिखना है, तुसीं डायरैक्ट हैडिंग्स नहीं लिखनियां, तुसीं इस तरीके दे नाल चलना है। सब तो पहले तुसीं करना है शायर दा तारुफ, ठीक है, इहदे विच तुहानू जो पता होवेगा तुसीं उहनू 3-4 लाइनां विच लिख देना है। शायर दे तारुफ तों बाद तुसीं लिखना है मौजू दा तारुफ। फर्ज़ करो मौजू है कि मुनीर नियाज़ी दी शायरी विच डर ते खौफ दा आंसर बड़ा पाया जांदा है, ठीक है, ते तुसीं लिखोगे कि मुनीर नियाज़ी दी शायरी विच खौफ दा आंसर। ठीक है, हुण तुसीं जिहड़े है इहदे विच कुछ गल्लां लिखोगे अपने वल्लों कि मुनीर जिहड़े तुसीं शेर तुहानूं याद होणगे उहनां नूं ज़िहन च रखियो, उहनां दी समरी थोड़ी जिही लिखियो कि मुनीर नियाज़ी दी शायरी विच खौफ ते डर दा आंसर कैंवें पाया जांदा है। मिसाल दे तौर ते उहनां दे ज़िंदगी विच हिजरत होई सी, उहनां ने हिजरत जदों कीती उहनां नूं लग्गा कि बड़ा बुरा होया, फिर उस तों बाद उहनां ने मुल्क दे हालात देखे, उस तों उहनां नूं लग्गा कि मुल्क दे हालात बड़े ख़राब ने, उहदे उत्ते उहनां ने शायरी कीती, उहनां नूं खौफ आंदा सी बंदियां तों वगैरह वगैरह वगैरह। इह गल्लां तुसीं जिहड़ियां हैगे ना जनरल अंडरस्टैंडिंग दी इत्थे लिखोगे, उस तों बाद फिर तुसीं अपनी हैडिंग शुरू कर दोगे। ठीक है, तुसीं पहली हैडिंग पाओगे जिहड़ी तुसीं पहली शेर दी हैडिंग पाई सी डर ते खौफ दा आंसर। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਡਰ ਅਤੇ ਖੌਫ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਜੈਸਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਪਾਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੀਦੀਅਤ ਅਤੇ ਅਲਾਮਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਖੌਫ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਡਰ ਅਤੇ ਖੌਫ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪਹਿਲੂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਹੈਡਿੰਗਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਖੌਫ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰੋਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾਵੋ ਕਿ ਡਰ ਅਤੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ।
ठीक है, वो एहसास तुसी एक शेर लिखो, फिर एक शेर लिखो, फिर एक शेर लिखो, विच एक एक लाइन नसर दी लिखते जावो, तो इस तरीके दे नाल तुसी जड़ा है अपना एक ही हैडिंग दे थले सारे शेर लिख देवो। ठीक है, उस तो बाद तुसी जे तुहानूं कोई किसी होर शेर शायर का जिक्र आ रहा है जेहन विच, जिहड़ा भी डर खौफ की शायरी की हो या शेर किया हो, तो तुसी यह कर सकते हो कि अदब विच बाकी शायरां दी डर ते खौफ दी शायरी। ठीक है, फर्ज़ करो तुहानूं एक शेर रऊफ शेख का आता है, एक शेर तुहानूं पीर फजल गुजराती का आता है, एक शेर तुहानूं किसी होर शायर का आता है, तुसी उन्हां दे उत्ते एक एक लाइन नसर दी लिखोगे, थले उन्हां दा शेर लिखोगे, तो उस थले उन्हां दा नाम लिख दवोगे, तो इस हैडिंग कर लोगे। फिर तुसी कहो कि यह जिहड़ा शायर सी मुवाजना दीगर शायरां दे नाल, दीगर बमुकाबला मुनीर नियाजी। हुण तुसी देखोगे कि इन्हां दी शायरी विच डर ते खौफ दा अंसर कितनी शिद्दत दे नाल सी, ते उन्हां दी शायरी विच कितनी शिद्दत दे नाल सी। जे तुहानूं कोई ऐसा टॉपिक मिल जांदा है दोवां दी शायरी दा मुवाजना करदे होए लिखदे होए, तो तुसी दो चार लाइनां विच ओह लिख दो, ते 12वें नंबर ते तुसी मुख दी गल करो, नतीजा कलाम करो, कंकलूजन करो। ठीक है, इस तरीके दे नाल तुहानूं डर ते खौफ दे पंज सत चार पंज शेर आंदे सी अपने 8 शेरां विचों, लेकिन तुसी इस सवाल नूं वधा के वड्डा कर लिया है। ठीक है, तो इसी तरीके दे नाल एग्जामिनर भी खुश होवेगा। जे तुहानूं अदब विच उर्दू अदब होवे, फारसी अदब होवे, उहदे विच भी कोई किसे डर ते खौफ दी शायरी दा पहलू मिलदा है, तुसी उहनूं लिखो ते नाल उहदा मुवाजना करो कि पंजाबी शायरी विच मुनीर नियाजी, किसी होर शायरी विच उहदा की मुवाजना है। ठीक है, उम्मीद है कि सारा कुछ मिल जाएगा। जदों तुसी 12 शायरां दे शेर याद किए होणगे, तो बहुत सारे शेर होर शायरां दे तुहाडे ज़हन विच आ रहे होणगे, तो तुसी आसानी दे नाल इह वाला सैक्शन कर सकते हो। ठीक हो गया जी, तो हर स्टार्ट ते शायर दा तारुफ, तो मौजू दा तारुफ, तो एंड दे उत्ते मुख दी गल, ये जरूर करियो। मेरे ख्याल विच इंशाल्लाह तुहानूं इस दे नाल मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ठीक हो गया, रब राखा।